हमने Hyundai i20 में CCTV कैमरा वाला सिस्टम शूट करा है। इसमें फोर कैमराज आते हैं, दो साइड पर, एक आपके फ्रंट बैक और फ्रंट पर एंड ये राइट साइड का कैमरा कि मिरर के अंदर मिरर के नीचे लग जाता है एंड बैक साइड में हमने लगाया है फोन नंबर प्लेट लगाया है कंपनी प्लेट ग्लोबल ओपन ये फर्स्ट एप्लीकेशन आपका 360 का आ जाता है सर okay. इसको आप मैनुअली भी यहाँ से ऑन कर सकते हो okay. फुल स्क्रीन करने के लिए डबल टैप करना राइट साइड में आपने ओके okay. तो फुल स्क्रीन एक कैमरे का हो जाएगा आपका okay. नीचे बैक कैमरे को टैप करोगे तो बैक कैमरा शो होगा। अच्छा, मेरा जो सेंसर लगा हुआ है वो काम कर रहा है अभी इसके साथ? सेंसर तो एज इट इज जैसे पहले वर्क कर रहे थे वो वैसे ही वर्क करेंगे। ठीक है, आपको ये बीप साउंड ये आपका लेफ्ट का आ जाता है सर, ये राइट साइड आ जाती है। अब आपको इसके अंदर राइट और लेफ्ट में कि मेरे को कम इसके अंदर व्यू शो हो रहा है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा देखना है, तो आपने सेटिंग सिंबल को टैप करना है, एंगल सेट में जाना है सर, और सॉरी कार सेट में, एंगल सेट में इसमें आपने जोन सी साइड का करना है, उसको सेलेक्ट करके आप जितना आपको एरिया कवर करना है आप उतना एरिया कवर कर सकते हो सर। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ये राइट साइड का आ गया हमारा। नाइस। बाकी ये नॉर्मल है सर, 3D व्यू के अंदर आप प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग चारों कैमरे के एंगल एक साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड आपका, ये फ्रंट साइड आ जाता सर, ऐसे ही आपका ये बैक साइड भी शो हो जाएगा। ठीक है, बैक हम होम स्क्रीन पे होंगे, आप ऑटोमेटिकली रिवर्स की लगाओगे तो बैक कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। ये जो दो स्प्लिट आ रहा है, हाँ जी, ये लेफ्ट साइड का क्या मतलब साइड का दिखाता है ना, दोनों साइड का मिला के? हाँ जी, ये 3D व्यू है सर, यहीं से आप कैमरे भी ऑपरेट कर सकते हो। जैसे ये नीचे सिंगल बार है, आप यहाँ से भी, अब जैसे ये लेफ्ट को मैं टैप करूँगा तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, सेम फ्रंट को टैप करके फ्रंट कैमरा, आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। ओके, आप रिमूव करोगे रियर गियर, ठीक है, बैक टू होम स्क्रीन आ जाओगे, सेम आप म्यूजिक कोई प्ले कर रहा हो आपने सर, आप राइट साइड का इंडिकेटर दोगे तो ऑटोमेटिकली राइट साइड का कैमरा आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा सर। अच्छा, आप इंडिकेटर रिमूव करोगे बैक टू स्क्रीन पे आ जाएगा, सेम एज इट इज आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सर इसके अंदर, इसको आपने टैप करना, जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग्स है पेन ड्राइव की वो आपको यहाँ शो हो जाएंगी। अच्छा, पेन ड्राइव दो स्लॉट है, जो कौन से मैं रिकॉर्डिंग स्टोर करना है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ जी, ये सेटिंग सिंबल में जाना है, रिकॉर्ड सेट में जाके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये USB 2 आ रहा है सर। ओके, जैसे दोनों अटैच हो जाएगी तो USB 1 USB 2 आपको दोनों शो हो जाएंगे। ठीक है, इक्वलाइजर सेट करने के लिए जो इसमें डॉल्बी का होता है सर, वो आपने इक्वलाइजर को यहाँ से टैप करना, सबसे नीचे हमारा सीने में होता है डॉल्बी जो इंस्टॉल्ड आता है इसमें, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप बेस वोकल ट्रबल्स एडजस्ट कर सकते हो सर, सराउंड में जाके आप सराउंडिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेफ्ट की, राइट की, रियर राइट की, रियर लेफ्ट की, बेस अनाउंसमेंट ऑफ होती है ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो फ्रंट और रियर में, ये फ्रंट है मैं फ्रंट में ऑन करता हूँ, अब ये फ्रंट में खाली बेस इफेक्ट आएगा, बैक साइड से वोकल आएगी, फ्लैट हो जाती है। ये बेस फिल्टर होते हैं सर, ये फुल पे ही वर्क होते हैं, बिल्कुल जीरो कर दोगे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, पंच बिल्कुल जीरो हो जाएगा आपका। एक स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन होता है सर, अगर आप नॉर्मल स्क्रीन पे हो आपको स्प्लिट स्क्रीन यूज करना है तो आपने स्क्रोल डाउन करना है, रेक्टेंगल बॉक्स को टैप करना है, ये पेजेस के ऊपर दो साइन आ रहे हैं ना सर स्प्लिट स्क्रीन के,
इसको आपने टैप करना है, एक साइड स्क्रीन आ जाएगी, सेकंड साइड आप जो आपको यूज करना और जो सपोर्टेड होगी वही आपको यहाँ पे होगा, एक साइड नेविगेशन, एक साइड आप म्यूजिक यूज कर सकते हो, और सेम अगर फुल स्क्रीन करनी है तो वाइट डॉट है, इसको आपने टैप करना और ड्रैग करना, ठीक फुल आपकी स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगी सर। ये सेटिंग्स होती हैं सर, इसकी डिटेल अबाउट डिवाइस की, एंड्रॉयड वर्जन 10 होता है, 6GB 128GB वेरिएंट होता है, एंड्रॉयड वर्जन आपका 10 होता है सर, ठीक है सर। 360 में फ्रंट कैमरा जब भी आपको यूज करना होगा वो आपको मैनुअली ऑन करना होगा सर, रियर कैमरा राइट और लेफ्ट ऑटोमेटिकली आप स्टेयरिंग से यूज कर सकते, फ्रंट कैमरे के लिए आपको मैनुअली ऑन करना होगा। बाकी सब नॉर्मल है, वीडियो क्लैरिटी आपने देख ली है सर, फिर से दिखा दो, फिर से लगी हुई है, स्क्रीन का कुछ कमांड है क्या वॉल्यूम का, या उधर ही करना पड़ेगा? स्क्रीन पे कोई वॉल्यूम नहीं, यहाँ से मेरा पहला वाला टच स्क्रीन का था जिसमें स्क्रीन पे ही रोटेट करने से वॉल्यूम अप डाउन होते थे, स्क्रीन पे रोटेट, हाँ टच करके ऐसे ड्रैग करने से वॉल्यूम अप डाउन होते थे, ऐसे ना सर? नहीं नहीं रोटेट मतलब स्पीडोमीटर के टाइप से, स्पीडोमीटर सर्कल में नहीं, वो दूसरे स्टार्टिंग बेसिंग वेरिएंट में आता है सर, अच्छा वो गेस्चर होता है हमारा ये वाला, यहाँ से वॉल्यूम, पर इस मॉडल में नहीं होती। ओके नेविगेशन, ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स होते हैं सर इसके अकॉर्डिंग, अच्छा अगर आपको चाहिए कि मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, फैक्ट्री का वगैरह। बाकी प्ले स्टोर है, मतलब मैं दूसरा ऐप भी इंस्टॉल कर सकता हूँ? जी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो मेरे पास सपोर्टिंग होना चाहिए इसमें। हाँ जी हाँ जी, जो सपोर्टेड होगा वो रन होगा, अच्छा अगर सपोर्टेड नहीं होगा तो जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑन करोगे वो बैक टू होम स्क्रीन में आ जाएगा, अच्छा ओपन ही नहीं होगा आपका, ठीक है बेसिक सारी हो गई है सर। कॉल का इन्होंने बोला कि रिसीव कर सकता हूँ, कॉल नहीं कर सकता हूँ, नहीं इसमें जो सिम डाला है उसका प्रॉब्लम है, तू जो कनेक्टेड ब्लूटूथ में दैट इज नॉट अ इशू, यू कैन कॉल नाउ यू हैव कनेक्टेड, ओके आप कॉल करो सर, सिम से अगर आपको कॉलिंग करनी है ना सर। नहीं नहीं मैं आई वाज सेइंग कि अगर मैं सो देयर आर टू सिम्स, वन इज स्टीरियो वन इज मोबाइल ना सर, हां जो स्टीरियो की होगी ना इसमें इनकमिंग नहीं आएगी आपकी, ओके आप यहाँ से आउटगोइंग कर सकते हो, समझे? हाँ गुड, बाकी सब नॉर्मल है सर। ओके सर, ये आपके दो फंक्शंस रह जाते हैं, एक ऑटो स्टार्ट का होता है, एक आपका हाइड एंड हाइड का होता है, जो भी आपको एप्लीकेशन हाइड करना है लॉन्ग प्रेस करना है हाइड ऐप, तो यहाँ पे एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा आपको शो नहीं होगा, यहाँ से आप अनहाइड कर सकते हैं, देख सकते हो कौन सा आपका एप्लीकेशन हाइड के अंदर सेव है, ठीक है लॉन्ग प्रेस करके अनहाइड ऐप कर दोगे तो आपको शो हो जाएगा सर। ओके सर, ठीक है।